हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडु केयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टैंडर्ड फिफ्थ मराठी का चैप्टर नंबर 17 आमची सहल के क्वेश्चन आंसर्स में आज आपको देने वाला हूं। दोस्तों, तो इधर आप देख सकते हो, इधर समरी है, तो पहले आप वो रीड कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स से पहले समरी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप क्वेश्चन आंसर्स को भी समझ सकें। फिर दोस्तों, इधर शब्दार्थ दिए गए हैं, यानी कि मीनिंग्स, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि ये मीनिंग्स भी पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, या तो आप अपने के लिए रीड भी कर सकते हो, समझ सकते हो। ये मीनिंग मराठी में भी दिया गया है और वही वर्ड इंग्लिश में भी दिया गया है, ताकि अगर आपको इंग्लिश में समझ में आते तो आप इंग्लिश में पढ़े, या आपको मराठी में समझ में आते तो मराठी में आप समझ लीजिए। तो दोस्तों, इधर आप देख सकते हो शब्द समूह व ध्यान से अर्थ, फ्रेजेस एंड देयर मीनिंग। तो इधर कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, उनके मीनिंग भी दिए गए हैं मराठी में भी और इंग्लिश में भी। तो दोस्तों, इधर प्रश्न उत्तर है, तो इधर एका वाक्यात उत्तरे लिया, यानी आंसर इन वन सेंटेंस आपको मैं अपने स्क्रीन पर दे रहा हूँ, तो वो भी आप पॉज करके इसे नोटबुक में नोट डाउन करके लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं इसे। ये भी आपको एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों, इधर प्रश्न दो है, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में कुछ वर्ड दिए गए हैं, उसके हिसाब से हम आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो जैसे कि डैश मंजे दाट झाड़ी, तो उसका आंसर क्या है, राई मंजे दाट झाड़ी। तो वो आपको उत्तर दिया गया है आगे इधर, तो वो आपको करना है और लर्न करना है, ये आपको फिलअप के लिए भी आ सकते हैं। तो प्रश्न तीन है, लिस्ट द नेम्स ऑफ बर्ड्स मेंशन इन द लेसन। तो कौन से बर्ड्स के नेम आए हैं लेसन में, उनका हमें नाम लिखना है, जैसे पोपट, कोकिड, चिमणा, कावड़े, उस तरह से आपको लिखना है। ये पूरा आंसर दिया है, आप वो कर लीजिए। और प्रश्न इधर हमको ओपन एंडेड क्वेश्चन भी दिया गया है, यानी कि आनखी काही पक्षियों से नावे लिहा। तो कुछ पक्षियों के नाम लिखने हैं हमें, वो भी इधर दिए गए हैं, ये भी आपको करना है दोस्तों। तो दोस्तों, इधर वोकैबुलरी एंड ग्रामर का पार्ट है। तो प्रश्न एक है हमारा, विरुद्धार्थी शब्द यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स, जैसे उन सावली, लाम जवड़, दाट विरड़। तो उस तरह से आपको ये जो भी सारे वर्ड्स हैं वो आपको नोटबुक में नोट डाउन कर लेने हैं और आपको इसे लर्न करना है दोस्तों। तो दोस्तों, प्रश्न दो है हमारा, पुढ़िल वाक्यांतिल नामे लिहा, राइट द नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। तो कौन सा नाम ये सेंटेंस में आया है, पहले वाले, दूसरे वाले और तीसरे में, तो आपको वो लिखना है, नाम मतलब नाउन्स। तो कितीतरी पक्षी झाड़ावर बसले होते, तो इसमें से नाम कौन सा है, पक्षी और झाड़े, तो वो आपको करना है। उसी तरह से तीनों सेंटेंस के दिए गए हैं इधर। और प्रश्न तीन है हमारा, चिरपिंग्स ऑफ बर्ड्स सिमिलरली। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको नाम लिख, उनके साउंड के नाम लिखने हैं, इस तरह से इधर दिया गया है। तो बाकी से डगान से गड़गड़ाट, तो वो जो भी आवाज़ होती है, साउंड, वो लिखना। ये चार पूरे नीचे दिए गए हैं, आप वो पढ़ लीजिए और नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के दूसरे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहूँगा। फ्रेंड्स, बाय।